आइए, जो प्रथा चलती आई है पहले से, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले श्री गणेश का ही वंदना करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता है श्री गणेश, दुख हरता है श्री गणेश, कोई भी विघ्न बाधा हो सबके लिए पहले पहले श्री गणेश को ही याद करते हैं। प्रथम पूजनीय है हमारे श्री गणेश, तो हम भी श्री हरि दर्शन की जो कथा आज से आरंभ करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत जो है हम प्रथम वंदना जो है श्री गणेश की करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उसके बाद श्री हरि दर्शन की कथा का आरंभ करेंगे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानंद स्वामी की जय। बोल गौरी के नंदन की जय।
तीनों के हरता हो, मंगल के दाता हो। गजानंद स्वामी की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल अम्बे मात की जय, बोल कपलेश्वर महादेव की जय, बोल गौ मात की जय, बोल अपने अपने मात पिता की जय। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल, भाई झूलेलाल चौन में तारियूं हलायो, ए माता पिता की जय जयकार करने में भी तारियूं हलायो। जैसे कि हमारे गौशाला में जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, भजन कीर्तन का सत्संग का प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं।
तो सबको गायत्री मंत्र मेरे हिसाब से आना चाहिए, आता भी है, नहीं भी आता है तो सुन के जितना आता है साथ साथ हमारे गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का बहुत लाभ है। गायत्री मंत्र की वर्णना जो है इतनी बड़ी व्याख्याता है इसकी। भागवत कथा में लक्ष्मी नारायण जी ने भी इसका वर्णन किया है। नारायण भगवान जो है वो स्वयं भी गायत्री मंत्र का नेम, नित्य नेम गायत्री मंत्र का उच्चार करते थे। तो आइए आज हम भी, जैसे कि हमारी भी प्रथा है प्रोग्राम की, शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं। आइए सब मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोल बाबा मोहनदास साहेब की जय। बोल बाबा गुमन दरवेश की जय। बोल बाबा हीरानंद दरवेश की जय। गौ मात की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल मेरा ही पास सदा ही शोकार। देखिए आस्थान का भी महत्व है। गायत्री मंत्र आप घर में कीजिए, कहीं भी और कीजिए, और यहाँ पे जो आपने गायत्री मंत्र किया उसका आनंद कुछ और है, उसका आनंद कुछ और है, उसका फल कुछ और है। घर में घर भी देवता है, घर पे भी देवता है। हमारा घर खुद एक देवता है, स्थान देवता बोलते हैं हम अपने घर को, हम स्थान देवता बोलते हैं। कभी भी अगर घर से आप कहीं बाहर जाएं, मैं आपको कथा हमने शुरू नहीं की, लेकिन ये एक और बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप घर से बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं भी शादी में जा रहे हैं, शहर के बाहर जब भी जाएं, तो स्थान देवता को पूरे घर को हाथ जरूर नमन कीजिएगा। हम क्या करते हैं, भगवान को तो हाथ जोड़ के निकलते हैं कि परमात्मा सफ़र अच्छा हो, अच्छे से जर्नी हो जाए, इंजॉय करके आए, भगवान को ये हाथ जोड़ के आते हैं। लेकिन अपने घर में जो हमारे स्थान देवता हैं उनको हम हाथ कभी नहीं जोड़ते हैं कभी हाथ,
मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा है कभी भी। इवन हम जहां अपने घर में रहते हैं वहां पे तो हाथ जोड़ने ही चाहिए कि हम जा रहे हैं कुशल मंगल होके वापस हम आपके शरण में आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। ऐसे आप मन में विचार करके स्थान देवता हाथ जोड़ने हैं और स्थान देवता बोलना है हमें कि हे स्थान देवता, हम कुशल मंगल से आएंगे, फिर आके आपके शरण में बैठेंगे। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। सिर्फ यहाँ तक ही निमित्त नहीं है ये बात। हम कहीं घूमने जाते हैं, समझिए कहाँ भी, होटल्स वगैरह में भी जाते हैं कभी घूमने, तो जब चेकआउट कीजिए ना, वहाँ धर्मशाला हो चाहे होटल हो कोई भी, फिर भी वहाँ पे हाथ जोड़ के निकलिए। स्थान देवता है, उसने आपको रहने के लिए जगह दी, शरण दी। भले आपने पे किया है, डजंट मैटर, पे किया, आप बोलोगे ना पेमेंट थी भाई ना, पैसा देना से ना, पैसे दे दिए ना, क्यों, लेकिन फिर क्यों हाथ जोड़ें। कभी भी होटल से निकलते समय या किसी धर्मशाला में भी जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ हाथ जोड़ के निकलते होंगे कि बाबा स्थान देवता आपने हमें दो दिन रहने दिए। करते हैं कभी ये बात? मोस्टली जहाँ तक मुझे याद है कि नहीं करते होंगे लोग। हाँ ये बात है, मैं तो करता हूँ बिल्कुल, पीछे से इशारा किया आप करते हैं, हाँ बिल्कुल मेरी आदत है। मैं किसी होटल में जाऊँ चाहे धर्मशाला में जाऊँ, किसी मेहमान के घर पर जाऊँ, हाथ जोड़ के निकलने चाहिए स्थान देवता को। हम अपने रिलेटिव्स को तो मिलते हैं, उनसे हाथ मिला के, हाथ जोड़ के, गले लग के मिलते हैं निकलते समय, वहाँ के देवता को भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कभी भी वहाँ के स्थान देवता को हाथ नहीं जोड़ते। उससे आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कुशल मंगल होगी। यकीन मानिए वो तो हमेशा ही कुशल मंगल ही होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई विपदा, कोई बाधा अगर आनी होती हो ना, तो स्थान देवता आपकी रक्षा करेगा। स्थान देवता आपकी रक्षा कैसे करेंगे, इसकी कथा हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज श्री हरि की कथा का हमें आरंभ करना है। स्थान देवता की जो कथा है मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा कथा के बीच में, लेकिन इस समय हम पहले श्री हरि की कथा जो है उसका आज आरंभ करेंगे। बोलिए प्यार से, बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गणेश जी की वंदना हो गई, गणेश जी को हमने रिझाया, गायत्री मंत्र भी किया। अब जब हम श्री हरि की कथा करने जा रहे हैं, नारायण भगवान की कथा करने जा रहे हैं, तो एक प्यारी सी धुन नारायण भगवान की भी होनी चाहिए। नारायण भगवान की धुन करेंगे, उसके बाद हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अपने अपने मात पिता की जय। आयो लाल सवई चो झूले लाल बेराई पारसराई शोका नाम सा थींदव जय जय का। भगवान नारायण जिन्होंने पापियों को मारने के लिए पापियों का संहार करने के लिए कितने रूप लिए हैं, अनेक रूप लिए हैं, उनमें से भगवान नारायण जी का एक रूप है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार जो नारायण भगवान का है वो हिरण्यकश्यप पापी को मारने के लिए अवतार लिया था। नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप पापी का संहार करने के लिए जो है पृथ्वी पर अवतार लिया था। बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जिस समय धरती पर पापियों का बोल भाला था, असुर शक्तियां जो हैं तांडव कर रही थी, तभी दो भाई हिरण्यकश और हिरण्यकश्यप जो कि अदत के बेटे थे, हिरण्यकश और हिरण्यकश्यप असुर बहुत ही बलवान असुर थे। पूरी सृष्टि पर उनका राज था, स्वर्ग लोक पर भी वो विजय पाना चाहते थे, तीनों लोकों पे विजय पाना चाहते थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश दो भाई। उस समय पृथ्वी पर इतना हाहाकार हुआ, इतने पाप भर गए, जहां भी पूजा पाठ हो, संतों का संगत हो, जहां पे भी कुछ भगवान की वंदना का प्रोग्राम हो, वहां पे वो असुर पहुंचकर पूरा तबाह कर देते थे, उसको बिगाड़ देते थे, उस हवन को, उस भजन कीर्तन को, हरि नाम कीर्तन को आके बिगाड़ देते थे। तब उस समय की बात है जब हिरण्यकश जो है, हिरण्यकश्यप के जो भाई हैं हिरण्यकश, वो पृथ्वी को पाताल में दबाने के लिए लेके गए। पूरी पृथ्वी जो है पाताल में दब गई। बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। उस पृथ्वी को हिरण्यकश ने पूरे पाताल के साथ समुद्र में डुबो दिया। किसमें डुबो दिया? समुद्र में डुबो दिया। एक ही पांव उस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर इतना जोर का एक पांव रखा उसने, पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर समा गई। पूरी पृथ्वी जो जब समुद्र के अंदर समा जाएगी तो आप समझते हैं क्या होगा। कुछ साल पहले थोड़ा सा पानी आ गया था हमारे महाराष्ट्र के अंदर, कैसे हाहाकार मच गई थी, कितने जानों माल का नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए, कितने पशु प्राणी मर गए। सोचिए पूरी पृथ्वी जब जल प्रलय में हो जाएगी, जलमय हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, तो उसका क्या हाल होगा। ये महाप्रलय जो है वो जब आएगी, उस समय का भगवान जाने वो कब आने वाली है, लेकिन उस समय की बात है जब हिरण्यकश राक्षस ने अपने पैर से पृथ्वी को है समुद्र के अंदर डुबो दिया था। चारों बाजू हाहाकार होने लगी धरती पे। उस समय भगवान नारायण जी ने विराट का अवतार लिया। विराह अवतार, आपको पता है विराह अवतार के बारे में कुछ? विराह अवतार जो है, बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। हिरण्यकश राक्षस ने जब पूरी पृथ्वी को अपने एक पांव से समुद्र में डुबो दिया, तभी विष्णु भगवान ने विराह अवतार, विराह अवतार मतलब पूरा इंसान का शरीर, सिर्फ जो उनका चेहरा था वो शूकर का था। उनका जो चेहरा था नारायण भगवान का वो शूकर मतलब सुअर का था। इतने बड़े बड़े दो दांत,
बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बोल विराह भगवान की जय। विराह अवतार के लिए तालियां तो बजाइए भाई, बनती हैं। वेरी गुड। तब नारायण भगवान ने विराह अवतार लेके समुद्र से पृथ्वी को अपने दो दांतों पे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई बड़ा सा हाथी कमल का फूल तोड़ के अपने सूंड में पकड़ता है। उस इतना बड़ा विराट स्वरूप, इतना बड़ा विराह का जो विराट स्वरूप है, इतना बड़ा था कि पूरी पृथ्वी को सिर्फ दो धातों में उसने समुद्र से बाहर निकाल कर रख के दिया। रख के नहीं बल्कि उसकी स्थापना भी करके दी। पृथ्वी जो है उसको, पृथ्वी को समुद्र में जो है उसकी स्थापना करके दी। तभी क्या है, तभी पृथ्वी जो है समुद्र में डूबती नहीं है। ये नारायण भगवान की कृपा है। विराह अवतार में जब पृथ्वी को भगवान समुद्र से बाहर लेकर आए तभी पृथ्वी को जल पे उन्होंने स्थिर करके दिया है। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हिरण्याकश को जब पता चला कि नारायण का अवतार है कोई विराह, और उसने पृथ्वी को समुद्र से निकाल के बाहर लेके आया है, तो बहुत ही गुस्से में आके उसको ललकारता हुआ, उस विराह रूप को भगवान के ललकारता हुआ आ रहा है उसके पीछे पीछे, ढूंढते ढूंढते कि कहाँ हो विराह, तुम कहाँ हो विराह, तुम कहाँ हो। उस समय विराह भगवान समुद्र के कोटि पे खड़े थे। उस समय जब हिरण्याकश जो है वो विराह जी से युद्ध करने के लिए आ रहे थे, तभी आसमान में सारे देवी देवतागण जो हैं अपने अपने साथियों के साथ, अपने अपने गुरुओं के साथ उस युद्ध को देखने के लिए आए हुए थे। क्योंकि जब भी पहले युद्ध होता था, भगवान किसी भी असुर का जब संहार करते थे, तभी हमने तो देखा नहीं लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम मानते हैं ग्रंथों में सारी बातें देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका तथ्य क्या, इसकी अगर कोई बात होती है, जैसे हमारे भगवानों के किताबों में ग्रंथों में लिखा होता है कुछ भी, हम उसकी चर्चा किसी से भी करते हैं तो क्या बोलता है, अगर कोई जो भगवान को नाम मानने वाला इंसान हो तो क्या बोलता है, हमको थोड़ी पता है, ये बात हमने जब देखी थोड़ी है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, असाई गरीब असाई डिठो ही का नहीं हो, किताबों में लिखे लाला है कि किताब लिखो, ये हम बहुत ही कम बुद्धि वाले जीव हैं जो ऐसी बातें समझते हैं कि किताबों में लिखा है, किसने देखा है, किसने किया है, भगवान क्या है, भगवान है कि नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि देखा ही नहीं भगवान को, भगवान को तो हमने देखा ही नहीं तो भगवान को क्यों माने, भगवान है भी कि नहीं पता ही नहीं। ठीक है, अगर भगवान नहीं है तो ये कौन सी शक्ति है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, समय पे सूरज आता है, समय पे चला जाता है, कौन सी शक्ति है ये, छोटी सी लाइट जलाते हैं तो कमरा रोशन हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो रोशनी दे रहा है सूर्य देवता, कौन सी शक्ति है ये, चंद्र देवता, ये कौन सी शक्ति है, वो छोड़िए, हम चाहकर भी एक अपने घर के छोटे से आंगन को पानी नहीं दे पाते। आज पानी ना हुआ, डाटो तंग कर तो लाइट वारन भी, लाइट बंद आ, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, क्या बोलते हैं, अरे आज तो लाइट ही नहीं है, पानी नहीं भरा है, कैसे चलेगा काम, अरे यार माई, अरे माई माई इंदी तक कपड़ा क्यों धोईंदी, सबसे पहली चिंता ये रहती है, माई इंदी तक कपड़ा वहीं पास से वाले टाइम बाल्टियों भरे अच्छे हाली तक कम हलाए, माई तक कम हिलाए वहीं वरी हलाए सुबह अच्छी हलाए न अच्छी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो इतने छोटे से हम अपने घर में जब पानी नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं, पूरे सृष्टि को जो पानी देता है परमात्मा, इतनी बारिश होती है वो कहाँ से आती है, 5 मिनट बारिश पड़ती है कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है, पूरे रोड सड़कें छतें पेड़ सब गीले हो जाते हैं एक पल भर में, कहाँ से आती है, कौन सी शक्ति है, कोई तो शक्ति है ना जो इतना तेज दिखाती है। मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले आंखों में पट्टी डाल के वही बात करते हैं, भगवान किसने देखा है, ये तो साइंस है, तो साइंस भी किसके भरोसे, कहाँ से आई साइंस, बोलते हैं बादलों से बारिश होती है, आसमान से बारिश नहीं होती है, बादलों से होती है ना बारिश, तो बादल कहाँ से आए, वो बादलों को पकड़ो देखो, घूमो उसके, इतनी साइंस ने तरक्की की है, बादलों को पकड़ो कहाँ पे बादल घूमते हैं,
चार महीने ही बादल आते हैं, बाकी के छह महीने, बारह महीने, नौ महीने कहाँ रहते हैं बादल? बाकी के समय कहाँ रहते हैं बादल? तो ये कुदरत है, ये शक्ति परमात्मा की शक्ति है। उसे पता है कहाँ जल देना है, कहाँ नहीं देना है, किस समय पे कौन सी बात करनी है, किस समय पे कौन सी जरूरत पूरी करनी है, वो सब उस परमात्मा को पता है। लेकिन मूर्ख जो इंसान है वो मानते ही नहीं कि भगवान है कि नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है। मतलब जो चीज़ आपने नहीं देखी वो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्या? मैं उन कभी कभी लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि असा तो डिठो ही ना है, ये गाल की विश्वास करूँ? लिखला ने किताबते जो हमने देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? तो मैं कहता हूं अगर ऐसी बात है तो संसार में ऐसी कितनी बातें हैं जो आपने देखी नहीं फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, हम देखते भी नहीं फिर भी विश्वास होता है हाँ कि ये है। अगर छोटी छोटी बातों में हम विश्वास करते हैं तो परमात्मा की शक्ति पे विश्वास क्यों नहीं करते? कहते हैं मनोकामना पूरी भगवान करता है, परमात्मा कौन सा परमात्मा? शंकर भगवान है, माता रानी है, लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण कन्हैया है, कितने ही देवी देवता हैं, कौन किसकी मन्नत पूरी करेगा? इवन एक ही घर में, एक ही घर में आपने देखा है अगर चार बाती हैं, पांच अगर लोग हैं एक ही घर में, तो हर एक इंसान जहां तक मैं जानता हूं अलग अलग देवी देवता को ही पूजता है। बात सही है कि गलत है? अलग अलग देवी देवता को पूजता है और हर एक देवी देवता उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए समर्थ है। हर एक देवी देवता हर एक इंसान की मनोकामना पूरी करने में समर्थ है। वो कैसे समर्थ है? विश्वास, विश्वास जो होता है ना हर एक इंसान का, अगर आप नारायण को मानते हो तो नारायण आपकी मनोकामना कुछ भी हो जाए पूरी करेंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वास मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ भाई, जैसे हम कैसे बोलते हैं, देखो विश्वास भी एक करी है, विश्वास की भी एक बात है। कैसी बात है मैं आपको बताऊं? एक होता है, आज शुक्रवार है, 10 बजे लाइट बंद हो गई, विश्वास है कि 4 बजे लाइट आएगी। एक होता है ये विश्वास कि 10 बजे बंद हुई ना लाइट, 4 बजे आएगी, मुझे पता है रोज का हर फ्राइडे का ऐसा है कि 4 बजे लाइट आएगी, ये होता है एक विश्वास, छोटा सा विश्वास। होता है कि नहीं होता है कि हाँ लाइट इंदी, विश्वास है लाइट इंदी, माना इंदी 4 बजे लाइट आएगी, मुझे पता है शुक्रवार है सुबह से बंदी, अभी 4 बजे लाइट आएगी। और एक होता है परमात्मा के ऊपर जो विश्वास, आंखें मूंद के ऐसा विश्वास के बस वो शक्ति ही है। अगर मैं नारायण को मानता हूं तो नारायण हर जगह पे है, हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर, हर निर्जीव के अंदर वो नारायण का वास है, उस नारायण का वास है। वही बात अगर आप शंकर को मानते हैं तो ये सोचिए कि शंकर बोले बोले बाबा जो हैं हमारे, जो बोले शंकर हैं वो कहाँ नहीं है? हर एक जीव में आप बोले शंकर को देखिए तो वो दिखेंगे, लेकिन वो हमें नजरिया चाहिए, वो विश्वास चाहिए कि नहीं यहाँ भी भोलेनाथ बैठे हैं, यहाँ भी भोलेनाथ बैठे हैं, जहाँ पे देखो भोलेनाथ बैठे हैं। अगर ये विश्वास आप करेंगे तो देखिए आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। और भगवान नारायण कहते हैं कि आप विश्वास करके घर में एक खाली पत्थर लेके आइए, एक ईंट लीजिए आप, एक ईंट उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक ईंट लीजिए आप घर में लेके जाइए, उस ईंट को आप टीका लगाइए, फूल रखिए, वास धूप कीजिए, उसकी धूप जला के वास धूप करके आरती कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नारायण भगवान उसके अंदर वास करके आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। नारायण भगवान उस ईंट के अंदर वास करके आपकी मनोकामना उस ईंट से पूरी करवाएंगे, ये होता है विश्वास। भगवान क्या कहते हैं? जिस रूप में मनुष्य, जिस रूप में जैसे भी मुझे ध्याता है, मुझे याद करता है, मैं उसी रूप में आके उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। कहते हैं ना उसी रूप में आके मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ, वो मुझे पत्थर में देखेगा तो मैं उस पत्थर में आके उसकी मनोकामना पूरी करेगा करूंगा। अगर गौ माता में मुझे नारायण दिखेगा तो नारायण भगवान गौ माता में आके मेरी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग कहते हैं गौ माता को खिलाने से बहुत सारे पुण्य मिलता है, बहुत सारी बातें होती हैं, शुभ कार्य होते हैं, सब अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं मेरा क्या कहना होता है, अक्सर गौशाला में बहुत सारे प्रेमी आते हैं जिनका नित्य नेम है
बहुत बार कहते हैं कि हमारी प्रार्थना करना, हमारे लिए भगवान से दुआ जिसको बोलते हैं वो करना। हर एक इंसान को मेरा एक ही मेजे जो है एक ही बात बोलनी होती है हर एक इंसान को। जो भी लोग आते हैं दर्शन को मुझे कुछ अगर बोलते हैं, किसी बात के लिए मुझे कुछ बोलते हैं, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि गौ माता को हाथ जोड़िए और अपने दिल की बात जो है गौ माता को बताइए। अपने दिल की बात गौ माता को बताइए, देखिए गौ माता आपकी मनोकामना कैसे पूरी करती है। बिल्कुल पूरी करेगी, वो विश्वास कीजिए आप। आपको वो विश्वास करना है कि गौ माता मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी और जरूर देखिए आप चमत्कार देखोगे। और गौ माता की शक्ति तो इतनी बड़ी शक्ति है, विश्वास कीजिए आप। अगर आप नेम से नित्य नेम से नहीं भी आते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक बार भी आते हैं, लेकिन नेम जो है नियम जो है वो अगर उसका आप पालन कीजिए, देखिए आपको ना होने वाला काम भी 101% होगा, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। हालांकि मैं कुछ तुच्छ प्राणी कुछ भी नहीं, ये शब्द ही निकाल देना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास अपनी गौ माता पे है, मुझे विश्वास अपने नारायण भगवान पे है। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जबी हिरण्याकश दैत्य जो है वराह अवतार से युद्ध करने के लिए आए, दोनों में युद्ध आरंभ हुआ, घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ से जो है गदा का प्रहार हुआ। और हमारे विष्णु भगवान जो हैं, नारायण भगवान जो हैं, उनकी माया तो निराली है, वो तो खेल खेलने में ही माहिर हैं। आपने देखा होगा बहुत बार विष्णु भगवान की ही लीला मानी जाती है। कृष्ण भगवान देखिए, विष्णु भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं सभी अवतारों में कोई ना कोई लीला भगवान करते रहते हैं। विष्णु भगवान के अब देखिए कितने रूप लिए हैं उसने, अवतार लिए हैं विष्णु भगवान ने। हर एक अवतार में कोई ना कोई गाथा, कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई तिथ्य, कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ रहता है हर एक गाथा में। वैसे ही यहाँ वराह जो देवता है, वराह अवतार हैं हमारे विष्णु भगवान, जब हिरण्याकश से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते 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 दिनों के दिनों, महीनों के महीनों निकल गए, भगवान खेल खिला रहे थे उस असुर को, भगवान उस असुर को खेल खिला रहे थे। जब इतना समय बीत गया तब जो आकाश में देवी देवता आए हुए थे, देवी देवता जो उस युद्ध को देखने आए थे, भगवान की विजय की घोषणा करके करने आए थे, उनके लिए पुष्पमालाएँ लेकर आए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमात्मा अभी खेल खेलना बहुत हुआ, हे परमात्मा और कितना समय इस दैत्य को खेल खिलाएंगे, जल्दी से इसका संहार कीजिए। हाथ जोड़ के नमन करके परमात्मा को जब याद किया, परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की, उनकी इच्छा जो थी सुन के सिर्फ एक प्रहार गदा का ऐसा किया हिरण्याकश पे, सिर्फ एक प्रहार गदा का, हिरण्याकश की मृत्यु हो गई। भगवान की लीला देखिए, जब तक उसकी इच्छा नहीं थी, नारायण भगवान की उस वराह अवतार की इच्छा नहीं थी, उनको खेल खिला रहे थे, कभी खुद मार खा रहे थे, कभी उनको मार दे रहे थे, ऐसे करते करते समय बीत गया। लेकिन जब देवताओं ने हाथ जोड़ के विनंती की, हे प्रभु और कितना दिलासा देंगे कि बस जल्दी जल्दी हमारा उद्धार हो, इस असुर को आप जल्दी संहार कीजिए तो सृष्टि का उद्धार हो। जब ऐसी प्रार्थना जब देवताओं ने की, उस समय एक ही प्रहार में वराह अवतार ने सिर्फ एक प्रहार गदा का किया, हिरण्याकश की मृत्यु हो गई। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। भाई एक ताली हिरण्याकश भगवान के लिए। हिरण्याकश की जब मृत्यु हुई, तभी हिरण्याकश्यप को जब ये पता चला कि कोई वराह अवतार ने, किसी वराह ने मेरे भाई को मारा है, बहुत गुस्सा हुआ। जब उसने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि वराह अवतार जो है वो नारायण भगवान थे, नारायण भगवान का अवतार था, तब उसने संकल्प लिया। हिरण्याकश्यप ने संकल्प लिया कि जब तक मैं नारायण भगवान का वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक सृष्टि के अंदर जितने भी हवन भजन कीर्तन सत्संग जो भी हो रहा है सबको नष्ट करते जाओ। किसी के घर में हरि नाम की घंटी नहीं बजनी चाहिए, हरि नाम का गुणगान नहीं होना चाहिए किसी के भी घर में।
जहां भी हरि नाम का गुणगान हुआ, घंटी सुनाई दी भगवान के नाम की, उस पूरे घर को मार दीजिए, ऐसी उसने घोषणा कर दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जहां भी भगवान के नाम का गुणगान होता वहां पे नरसंहार हो जाता था। पूरी फैमिली को, सबको, जितने भी घर के लोग थे सबको मार देते थे। बच्चा हो, बूढ़ा हो, संत हो, फकीर हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, जिसने भी हरि नाम का स्मरण किया उसका वध किया गया। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। चारों तरफ हाहाकार का माहौल मचा हुआ था। तभी हिरण्यकश्यप की सभा में उनके जो सेनापति और दूसरे सहयोगी राजा थे, उन्होंने कहा, भगवान, हिरण्यकश्यप असुर था लेकिन उनके जो लोग थे दूसरे राक्षस, वो उसे भगवान मानते थे क्योंकि वो बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, पूरी सृष्टि मेरे चक्र से चलती है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। उस समय हिरण्यकश्यप की दरबार में जो उनके एक साथी थे, उन्होंने कहा, भगवान, अगर आपको नारायण से युद्ध करना है तो उसके लिए पहले आपको ब्रह्मा जी को राजी करना पड़ेगा। आपको अगर नारायण भगवान का वध करना है, उनसे युद्ध करना है, तो सबसे पहले आप ब्रह्मा जी की वंदना कीजिए, उनसे वर प्राप्त कीजिए। ब्रह्मा जी से कौन सा वर मांगना है उनको, कि मुझे मृत्यु कभी प्राप्त ना हो, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान आप ब्रह्मा जी से मांगिए। तभी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को याद किया, तप किया, हवन किया। सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए, तप करते 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 हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का जब तप किया, उस समय बहुत समय बीत गया। पहले तो हजारों नहीं, मैं समझता हूँ लाखों साल तक तप करते थे। ये भी बात हमने पढ़ी है ग्रंथों में कि लाखों साल जब तप होता था, उसके बाद भी अगर किस्मत हुई तो भगवान दर्शन देते थे। अगर वो राजी हुए तो, आपका भाव सच्चा हुआ तो दर्शन मिलते थे, नहीं तो दर्शन नहीं मिलते थे। लोगों ने अपनी, संतों ने, ब्राह्मणों ने अपनी जान दे दी परमात्मा का दर्शन पाने के लिए, लेकिन दर्शन उनको नहीं हुए। कितनी तपस्या की उन्होंने, कितने यज्ञ हवन किए कि परमात्मा का दर्शन हो, उनका दर्शन हो, लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा जो हैं वो भाव के भूखे हैं। मैं ऐसे ही बैठ के बोलूं कि हाँ भगवान ने जल्दी मुझे बुद्ध, भगवान को याद करूं, बैठ के यहाँ देखूं, वहाँ देखूं, फिर परमात्मा को याद करूं, हे भगवान बस मुझे बुद्ध जल्दी, या कोई माला करता हूँ, जो कोई माला करते हैं लोग, बहुत सारे लोग माला करते हैं, ऐसे हाथ में माला होती है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भगवान के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं लोगों के बारे में बता रहा हूँ आपको कि ऐसी गलती ना करें कभी भी। बहुत बार लोग माला करते हैं ना, जब माला करते करते भी दूसरों से बात करते हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा आप वो ठीक है, कई गल नहीं, माला करते करते फोन पे बात करते हैं, फिर कहाँ से परमात्मा मिलेगा? उसका फल मिलेगा आपको, कोई शक नहीं है, माला करने का फल परमात्मा का, जो आप गुणगान करोगे, जब उनका नाम लोगे, उसका फल आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन माला जो है, एकांत में बैठ के उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। माला जब करनी है हमें, कब करनी है? अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है, तभी उसका फायदा है। तभी वो कहते हैं कि आप भजन स्मरण कर रहे हो, अंदर में परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। बाकी मैं माला करूं और सबसे बात करूं तो फिर वो भगवान का नाम जपना हुआ, उसका फल आपको 101% मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भगवान का नाम सुमरण से ही आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन जिस मकसद से आपने माला ली है कि मैं माला कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ, उस हिसाब से, उस मकसद से आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। 50-50 हो जाएगा उसका पुण्य, वो आधा आधा अधूरी बात हो गई, आपने आधा ध्यान दिया। कोई भी काम आधा अधूरा करेंगे तो उसका फायदा आधा अधूरा ही होगा ना, 100% तो होगा ही नहीं।
किसी भी बात को लगन से करेंगे, पूरा एकांत से ध्यान से करेंगे, तो 100% उसका फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम जब माला करते हैं परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाइए और माला कीजिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। बाकी जो ये करते हैं लोग, जो मैं उनके नहीं बोलूँगा, मैं क्षमा याचना करूँगा इस बात के लिए अगर किसी को बात बुरी भी लगी तो, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए, तभी मैंने आपको ये बात कही है। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हिरण्यकश्यप दैत्य जो असुर थे, जब ब्रह्मा जी का तप कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी उन पे राजी हुए और वरदान देने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? उनसे कहा, बताओ क्या वरदान चाहिए, मैं तुम पे प्रसन्न हुआ हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु, हे भगवान, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। अमर होने का वरदान का मतलब है कि मैं कभी भी मर ना सकूं, अमर हो जाऊं। जब तक पृथ्वी, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ब्रह्मांड जब तक है, तब तक मैं रहूं, अमर हो जाऊं, कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी जीव इस धरती पे आया है, जिस जीव ने भी जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन तो निश्वंत होना ही है, नाश होना ही है, इसलिए ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आप एक दूसरा वरदान दीजिए कि मेरी जो मृत्यु है वो ना दिन में हो ना रात में, ना दिन में हो ना रात में, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो। किससे? ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना पशु से हो ना इंसान से हो, ना पशु से हो ना इंसान से हो, ऐसा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तथास्तु का मतलब है सत्य वचन, जो तुमने कहा, जो तुमने मांगा वो जरूर होगा। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुए, बहुत खुशी खुशी अपने राज्य में आए कि ब्रह्मा जी ने मुझे अमर होने का वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी ने मुझे अमर होने का वरदान दे दिया। जब अपनी सभा में बैठे अपने साथियों को बताया कि ब्रह्मा जी ने मुझे अमर होने का वरदान दिया, तब एक असुर ने कहा, महाराज, ब्रह्मा जी ने आपको कहा कि आप अमर हो गए? कहा कि नहीं, मैंने उनसे ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना पशु से ना इंसान से। कहा, प्रभु, यही तो लोचा है, यहीं पे तो गड़बड़ है। हम असुरों को पहले से ही तो बेवकूफ बनाया जाता है ऐसी बातों से। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यहीं पे तो गड़बड़ है, इतना घुमा फिराने की बजाय सीधा अमर होने का वरदान क्यों नहीं दे दिया? सीधे हाथ, ये कान पकड़ना है तो हाथ को गोल घुमा के कान क्यों पकड़ा? तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बात तो सही है, सीधे सीधे अमर होने का वरदान की जगह इतना घुमा फिरा के वरदान क्यों दिया? तभी दूसरे असुर ने कहा कि महाराज, आप भोलेनाथ को राजी कीजिए, आप जो है भोलेनाथ को राजी कीजिए। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, जल्दी सुन लेते हैं, सही है गलत है ये बात? और बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही बिल्कुल 101% बात सही है। मैं आपको बताऊं, आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रेमी हैं, भले आप भोलेनाथ को नहीं मानते हो, लेकिन सोमवार सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जाके, किसी भी मंदिर जाके जहाँ पे शिवलिंग हो भोलेनाथ जी का, वहाँ पे आप सिर्फ एक लोटी जल की चढ़ाइए, एक लोटी जल की चढ़ाइए, उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, सोमवार सोमवार आप करके देखिए, आपकी देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। हम बोलते हैं, मुझे कमी न थो दे भगवान, मुझे कम न थो करे, मुंजल आया परेशान हूँ, परमात्मा ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं हैं,
अरे कैसे सुनेंगे, आप अपना कर्म तो ठीक कीजिए पहले। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे ना। हम जो कर्म करते हैं वही कर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। लगाएंगे आप गुलाब का फूल का पौधा लगाएंगे तो वहां पे गुलाब ही निकलेगा ना, चमेली चंपा या मोगरा तो निकलेगा ही नहीं। ये तो बात पुरानी है, बचपन से सुनते आते हैं हम लोग, सबको पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म कीजिए, जैसे अच्छे कर्म करेंगे आपका भाग्य अपने आप उदय होते जाएगा, अपने आप आपका भाग्य जो है खुलता जाएगा। मैं आपको बताऊं, किसी भगवान को मत मानिए आप। मैं ये भी आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली बता सकता हूं। बहुत लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं भगवान कहाँ है, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं है। लिखा हुआ है ना, प्रमाण क्या है कि भगवान है? किसने लिखा, हमें क्या पता किसने लिखा, कौन कहता है भगवान है? मैं उनको भी कहता हूं फिर से कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। आप विश्वास कीजिए, सिर्फ विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हिरण्यकश्यप की सभा में उनसे कहा गया कि भोले बाबा को आप राजी कीजिए, उनसे वरदान मांगिए, वो आपको जरूर 100% आपको वो वरदान देंगे, भोले बाबा हैं, ठीक है। हिरण्यकश्यप निकले घर से फिर से तप करने, असुर थे, असुर जो थे ना वो तप करने में बहुत माहिर थे। बहुत माहिर मतलब कैसे, तो उनका जो दृढ़ निश्चय था वो बहुत भारी था। जो असुर होते ना, असुर आज भी देखिए जो जोरावर लोग हैं वो कैसे डाढ़े होते हैं, कि जो डाढ़ो जोरावरा बोलते हैं ना। और जोरावर जो लोग होते हैं वो भगवान को पूछते भी बहुत ज्यादा हैं। आपने नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकली। जो टेरे लोग होते हैं ना, ज्यादा टेरे लोग होते हैं, ज्यादा दमदार लोग होते हैं, उनके नित्यनेम बहुत भारी होते हैं। आप देखिए कभी कभी ऑब्जर्व कीजिए, जो जब सबसे जो टेरे लोग होते हैं ना, गुंडे टाइप बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उनका जो कर्म होता है ना, कर्म वो बहुत भारी रहता है। ऐसे कर्म होते हैं जिससे उनकी उनसे पावर बढ़ता है उनका, और भले गलत काम भी करते हैं उसके बाद भी उनकी जय जयकार होती है, या शहर में या अपने किस तबके में उनकी बहुत बड़ी बातें होती हैं कि भाई हाँ ये फलाना आदमी है, ये पावरफुल आदमी है। तो ये जो है कर्म, कर्म की गति बहुत बलवान है। एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि आप भले किसी भगवान को मत पूजिए, इस बात का भी मैं चैलेंज करूंगा, किसी भगवान को मत पूजिए, आप कर्म कीजिए, आप कर्म कीजिए, भूखे को खिलाइए, रोते हुए को हंसाइए, कभी किसी से गलत व्यवहार मत कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, ये कर्म है सारे। आप ये मत सोचिए कि भाई ये भगवान को खिला रहा हूं, भले आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मैं कर्म कर रहा हूं अपना, बस मैं एक जीव को, एक आत्मा को, उस आत्मा को मैं कुछ रोटी या भोजन दे रहा हूं। किसी भूखे को, कोई फकीर हो, किसी गरीब को, ज्यादा नहीं तो एक वड़ा पाव लेके दीजिए आप, ये कर्म होता है। अगर रास्ते में कोई जीव या कोई इंसान किसी तकलीफ में लगता है हमें, बहुत आपने भी देखा होगा कभी कभी, बहुत बार तो ऐसे ठग होते हैं, हमने भी देखा है कि ऐसे ही बस भीख मांगते हैं या बोलते हैं भूखे हैं, ये वो समथिंग, बहुत बार सबने देखा होगा। आज बिजनेस हो गया, ये बहुत लोग बोलते हैं बिजनेस है, हाँ हो गया बिजनेस, कोई शक नहीं है। लेकिन अपने मन को आप अगर निर्मल बनाएंगे ना, जब जब आप अपने मन को परमात्मा से मिलाने के लिए निर्मल बनाएंगे, अपने कर्म गति को मजबूत करने के लिए मन में सोचेंगे कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपको प्राणी मिल जाएगा जो नीडेड होगा, जिसको सच में वरापाव की अगर गुर्ज है, उसकी जरूरत है, आप उस आप एक नजर में उस प्राणी को, उस बच्चे को आप एक नजर में जान जाओ कि इसको जरूरत है। ये आपने कैसे जाना, जब आप मन में सच्चा भाव रखेंगे ना अपना कर्म करने का, कि ना मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ सुठो करना हुआ, तो ऑटोमेटिक भगवान वो आंखें आपको दे देगा कि आपको पता चल जाएगा ये नीडेड है कि नहीं है, इसको सच में जरूरत है कि खाली ऐसे फालतू में भीख मांग के खाने आया है या पैसे में छूटने आया है, ये आपको पता चल जाएगा।
जब आपके अंदर वो भाव होगा कि नहीं मुझे कर्म करना है, मुझे अच्छा कर्म करना है, बस ये आप मन में भाव रखिए, देखिए आपको खुद ब खुद वो शक्ति आ जाएगी। ये मेरा मानना है कि भले आप किसी परमात्मा को मत याद कीजिए, लेकिन अपने कर्म को बलवान कीजिए, उसके बाद भी आप देखिए कैसे उन्नति करते जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, कोई तकलीफ आपके सामने नहीं आएगी। इस बात का मैं चैलेंज करूंगा आपको, कोई तकलीफ भी आपको आगे नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने उल्टे कर्म हो जाते हैं, हम जब चलते हैं रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं अनजाने, जाने अनजाने कितनी हमसे गलतियां होती हैं। जैसे मैंने बताया भगवान के नामों को, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भगवान के नाम पे भी कभी हम बोलते हैं फलाना आदमी ऐसा कर गया, जबकि नाम भगवान का है। तो जाने अनजाने जब हम ये गलतियां करते हैं तो उसका कर्तव्य भुक्तम भी हमको भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि शंकर शंकर मुझे पैसा खाई हो, डाडो गंदो मानू थी, बहुत अच्छा है, ऐसा गंदा इंसान है, मेरे पैसे खा गया। हम बोलते हैं उस इंसान को, नाम किसका आता है? शंकर। शंकर कौन है? शंकर भगवान है, शंकर महादेव हमारे भोलेनाथ बाबा हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं, शंकर के नाम से लेके उसको कितनी गालियां देते हैं, तो जाने अनजाने हम वो गालियां भगवान को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। सही बात है गलत बात है? किसी का राम नाम है, किसी का श्याम नाम है, घनश्याम है, हम बोलते हैं घनश्याम डाडो डिंगो मारू दी लुच्चो दी लुच्चो, तो घनश्याम तो हमने कृष्ण भगवान को बोल दिया उसके नाम पे। आज जो हम जय जयकार कर रहे हैं नारायण भगवान की, कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हैं दोनों पे के जय श्री कृष्ण, तो किसी का कृष्ण नाम है तो हम उसको कितनी गालियां देते हैं अगर वो गंदा इंसान है किस तरह से। तो ये कर्म है, अपना कर्म सुधारिए। कभी भी सामने वाला जो भी हो जैसे भी हो, आप उससे कुछ गलत मत कहिए, उसको अपना कर्म करने दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। जितना मजबूत कर्म करेंगे उतना आपको मजबूत फल मिलेगा। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठे, भोलेनाथ भोलेनाथ जी का तप करने के लिए बैठे, उस समय देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ का तप कर रहा है हिरण्यकश्यप। तो ब्रह्मा जी ने तो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया, ब्रह्मा जी तो समझदार हैं, लेकिन भोलेनाथ तो भोले बाबा हैं, वो तो पता ही नहीं कभी कौन सा वरदान दे बैठे हैं, आधा समय तो भंग के नशे में बैठे रहते हैं। सही बात है गलत बात है? पता नहीं कौन सा वरदान दे बैठे, हमको तकलीफ हो जाए, इसके लिए इसका कुछ उपचार करना पड़ेगा, इसका कुछ उपचार करना पड़ेगा। उस समय गुरु बृहस्पति ने हैं, जो हमारे देवताओं के गुरु थे, गुरु बृहस्पति जी, उन्होंने इसका भार लिया कि इसका तप, हिरण्यकश्यप का जो तप है वो मैं भंग करूंगा। उस समय बृहस्पति जी ने हिरण्यकश्यप का तप भंग किया, बिल्कुल उनका तप जो है वो भंग हो गया। लेकिन इस बीच जब ये घटना हुई, जब हिरण्यकश्यप तप कर रहे थे, उस दौरान देवराज इंद्र थे, जो देवराज इंद्र थे वो हिरण्यकश्यप का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के महल में चले गए। हिरण्यकश्यप का रूप धारण करके जो देवराज इंद्र थे, इंद्र देवता जो थे, हिरण्यकश्यप का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के महल में चले गए, और वहां पे जो हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी थी कयाधु, उनसे जाके मिले और उनसे कहा, हे प्रिय आओ हम आज सैर करने के लिए चलते हैं, मेरा विमान है, आप मेरे साथ बैठो, हम सैर पे जाएंगे। कयाधु धर्मपत्नी हिरण्यकश्यप की उनके साथ चली, उन्हें पता ना था कि देवराज इंद्र हैं जो वेश बदल के हिरण्यकश्यप के रोड पे आए हैं। उस समय जब हिरण्यकश्यप के रूप में देवराज इंद्र देवी कयाधु को अपने विमान में बिठाकर उनका हनन करके लेके जा रहे थे इंद्रलोक में, क्यों लेके जा रहे थे? देवराज इंद्र को क्या परी थी जो उन्होंने कयाधु का अपहरण कर दिया? उसका जो रीजन है वो यह है कि कयाधु के पेट में एक दिव्य ज्योति जल रही थी, कयाधु के पेट में एक दिव्य ज्योति थी, एक आत्मा का प्रवेश हो चुका था, एक नन्ही जान प्रवेश कर चुकी थी। और देवराज इंद्र का मानना था कि ये बच्चा जो जन्मेगा उसको हम जन्म से पहले माँ की कोख में मार देंगे, क्योंकि ये असुर जाति का बच्चा है। कयाधु के पेट में जो बच्चा था वो असुर जाति का बच्चा था, इसलिए देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर दिया कि जो असुर का बच्चा है हम उसे
कोख में ही मार देंगे। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। देखिए कैसी विडंबना है परमात्मा की। माँ के पेट के अंदर, माँ के कोख के अंदर बच्चे के कौन से लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। माँ के पेट के अंदर बच्चे के कौन से लक्षण हैं, वो कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। इतनी भगवान की अपरंपार कृपा है। देखिए क्या क्या उसने बनाया है, कैसे उसने स्वरूप दिया है इंसान को। जिस समय कयादु का अपहरण हुआ, देवराज इंद्र लेके जा रहे थे कयादु को, कयादु ने बहुत ही जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उस समय नारद मुनि जो के वहां से गुजर रहे थे, वो आकर खड़े हो गए देवराज इंद्र के आगे। कहा, हे प्रभु, आपको ये बात शोभा नहीं दे रही, आपको ये बात शोभा नहीं दे रही कि आपने कयादु का अपहरण कर दिया। देवराज इंद्र कहते हैं कि इसके पेट में, इसके कोख में जो असुर जाति का बच्चा है, हम उसको जन्म लेते लेने से पहले ही उसे मार देंगे। जैसे असुर पहले से ज्यादा बलवान हो, इसके आने के बाद ज्यादा बलवान न हो जाए। तब नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि पेट के अंदर जो आत्मा है वो दिव्य आत्मा है कि असुर आत्मा है, इसका तो कोई पता ही नहीं चल सकता। देवराज इंद्र को कह रहे हैं कि पेट के अंदर जो आत्मा है वो असुर आत्मा होगी या दिव्य आत्मा, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप अपने ऊपर, सर के ऊपर इतना भरा गोर पाप क्यों ले रहे हैं? बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। उस समय देवराज इंद्र ने सोचा कि बिल्कुल सही बात है, अगर नारद मुनि कहते हैं तो कुछ बात होगी। नारद मुनि को हाथ जोड़ के वो वहां से चले जाते हैं। उस जो पवन हंस पे वो बैठे हुए थे कयादु के साथ, वहां से चले जाते हैं। फिर नारद मुनि जो है कयादु को कहते हैं, इस अवस्था में जैसी आपके भी तकलीफ है, हो सकता है महाराज के पीछे और कोई शक्ति आपको आके तकलीफ दे, क्योंकि आपके पेट में बच्चा है और महाराज तो गए हैं तपस्या पे महादेव के, इसलिए आप एक काम कीजिए, मेरी कुटिया में चलिए। आप जो है मेरी कुटिया में चलिए, वहां पे आप थोड़े कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए, उसके बाद मैं आपको कुशल मंगल जो है राजमहल में छोड़ दूंगा। ठीक है, कयादु ने कहा, जैसे आप कहें मुनिवर। कयादु जो कि हिरण्यकश्यप की बीवी थी, उनकी धर्म पत्नी थी, और नारद मुनि, दोनों नारद मुनि की कुटिया में गए। वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे छोटे छोटे। कयादु ने कहा नारद मुनि से, नारद मुनि जी, ये आपके बच्चे हैं। नारद मुनि के बच्चे को नाम पता है किसी को? आप इतने लोग बैठे हैं, गुणी लोग बैठे हैं, कोई भी नारद मुनि के बच्चों का नाम बताए आपको? कुछ आइडिया, कुछ कुछ तो सोचिए। नारद मुनि के बच्चों का नाम, बिल्कुल माता जी ने बहुत अच्छे से पकड़ा। नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी थे। नारद मुनि ने शादी नहीं की तो बच्चों की कहां से बात आ गई? नारद मुनि जो थे ना, जो नारायण नारायण करते रहते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी ही नहीं की तो उनके बच्चे कहां से आएंगे, उनके नाम कहां से आएंगे? ये तो मैंने आपको ऐसे चुटका कर दिया कि देखूं कुछ जनरल नॉलेज है। ये भी देखिए जनरल नॉलेज है, भगवान का जनरल नॉलेज, भगवान के डिपार्टमेंट का। एक होता है खाने पीने के डिपार्टमेंट का जनरल नॉलेज, दुनियादारी का जनरल नॉलेज, ये भगवान के डिपार्टमेंट का जनरल नॉलेज है। सबको पता होगा कि नारद मुनि ने शादी नहीं की, लेकिन मैंने खाली उसको थोड़ा घुमा के पूछा कि उनके बच्चों का नाम क्या है। सिर्फ घुमा के मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि नारद मुनि के बच्चों का नाम क्या है। उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे कहां से आएंगे? ये बात जब आप सोचेंगे तभी आप बोलेंगे ना कि हाँ, ये कुछ गलत बोल गए, उल्टा बोल गए कुछ। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जब नारद मुनि कयादु को अपने कुटिया में लेके गए, वहां पे कितने ही जीव थे, गौ माताएं थी, मोर थे, छोटे मोटे बहुत सारे पशु पक्षी थे, हिरण थे। ऐसा वातावरण लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए। पेड़ पे बैठे मीठे मीठे आवाज आ रहे थे, वहां पे जो पक्षी बैठे थे पेड़ पे मधुर मधुर गीत गुनगुना रहे थे। आपने भी देखा होगा, हम मनुष्य हैं, कभी भी हम कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे, किसी मंदिर में या किसी ऐसे मंदिर में जहाँ के आश्रम के बाहर
बगीचा बना हुआ होता है तो हम वहाँ पे जाके बैठते हैं तो कैसा महसूस होता है, सिर्फ बगीचा और छोटी छोटी झिरकी की आवाज आती है, ज्यादा तो मतलब अभी पक्षी है नहीं, ज्यादा पक्षी अलग अलग मीठी मीठी बोली बोलने वाले पक्षी शहरों में नहीं है। अगर आपको मीठी मीठी बोली वाले पक्षी चाहिए ना तो आपको शहरों से बाहर कोई गांव हो, कोई जंगल एरिया हो, कोई हिल स्टेशन हो, वहां पे मिलेंगे, क्योंकि शहरों में पोल्यूशन बहुत हो गया है, रहने के लिए पक्षियों के रहने के लिए जगह नहीं है, पेड़ नहीं है, तो वो कहाँ घोंसला बनाएंगे अपना। लेकिन जब आप थके हारे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे शांत हो, नीचे घास हो, हरे भरे पेड़ हो, शुद्ध शीतल वातावरण हो, भगवान नाम का गुणगान हल्के से मधुर आवाज में कोई धुनी बज रही हो, वहाँ पे मधुर मधुर गीत जो है पक्षी गा रहे हों अपनी ही आवाज में, तो कितना आनंद आता है। आंखें बंद करके वो चवना ही न किए, ॾाढो मजो तो जो उथण ते दिल ही नथी दे पई, बोलते हैं ना उथण ते दिल ही नथी दे, ॾाढो मजो अची वियो। तो ऐसा जो माहौल है वहाँ पे बना हुआ था, जब कयादु जो नारद मुनि के कुटिया में जब जाती है, ऐसा माहौल बना हुआ था। उसके समय उसके पश्चात कुछ समय बीतने के बाद भगवान जो है प्रहलाद जो है वो पैदा होते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल बिराई पार सराई शौका। भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। अब इसके आगे की कथा जो है हम कल वर्णन करेंगे, समय के हिसाब से चलना है, समय भी देखना है। उससे पहले थोड़ा जो है हम भगवान का गुणगान करेंगे, थोड़े भक्ति और हमारे सिंधियों के इष्ट देवता कौन है पता है किसी को? सबको पता है ना? तो रोज हम एक गीत झूलेलाल जी का जरूर करेंगे, उनको भी याद करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देवता हैं झूलेलाल भगवान जो है हमारे इष्ट देवता हैं। रोज एक गीत एक भजन हम झूलेलाल जी का भी करेंगे। आइए पहले झूलेलाल जी का एक गीत करेंगे, उसके बाद नारायण गुणगान करके आज की कथा का जो है हम यहीं पे विश्राम देंगे। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल मेराई पास नहीं शौका। मुंहिंजी बेरी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेरी अथई विच सीर ते, ओ मुंहिंजी बेरी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेरी अथई विच सीर ते। पलो पाया थी माजन पीर ते, बासू पास्या विच
पाया थी मां जिंद पीर ते बास्यों बास्या थी मां जिंद पीर ते तुझी बानी तू मुझो साई आ तुझी बानी तू मुझो साई ओ मुझा राणा ओ मुझा राणा मां तुझी बानी तू मुझो साई बेवाहन जो वसीलो तू आही मात पलो पाया थी मां जिंद पीर ते पासियों पासिया थी मां जिंद पीर ते ओ मुंजी बेड़ी अई विच सीर ते मुंजी बेड़ी अई विच सीर ते पलो पाया थी मां जिंद पीर ते पासियों पासिया थी मां जिंद पीर ते जन चवैया आस मुंजी राजन चवैया आस मुंजी हिम्मत दे करया सेवा तुंजी हिम्मत दे करया सेवा तुंजी जो नाहे भरोसो शरीर ते सो जो नाहे भरोसो शरीर ते पलो पाया थी मां जिंद पीर ते पासियों पासिया थी मां जिंद पीर ते ओ मुंजी बेरी अथई विच सीर ते मुंजी बेरी अथई विच सीर ते पलो पाया थी मां जिंद पीर ते पासियों पासिया थी मां जिंद पीर ते गुल चारिया थी सबई चो झूले लाल बेराई पास नई शौकार मोर मुकुट भंसी अवारे की राधा रानी की गौ मात की अपने अपने मात पिता की जय अचो एकरो नारायण भगवान का गीत जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि Thank you.
दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता कर निर्भय जग त्राता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी जय जय नारायण नारायण हरी हरी स्वामी नारायण नारायण हरी शूले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना प्रभु के नाम का पारस जो शूले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलो प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी जय जय नारायण नारायण हरी हरी स्वामी नारायण नारायण हरी हरी हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पर जाए वारी वारी हरी हरी जय जय नारायण नारायण हरी हरी स्वामी नारायण नारायण हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी महिमा प्रभु Narayana Hari Om Namo Narayana
नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आयो लाल सवई चौ झूले लाल, बेराई पास सदाई शोकार। आइए भक्तगण अभी आरती करेंगे। पहला दिन है कथा का, तो थोड़ा शुरू भी हमने देर से की। कथा का जो है विश्राम जो हमने दी है वो भी थोड़ा समय थोड़ा लग गया है। कल समय के हिसाब से चलेंगे, पूरा सेटअप हो चुका है। ठीक है, आइए अभी आरती करेंगे सब। जो भी भक्तगण आरती करना चाहें आइए आरती कीजिए। नारायण भगवान की ओम, जय जगदीश हरे। सभी भक्तगण आइए आरती कीजिए। इस आस्थान पर नारायण धाम में आकर, वैंकुंठ धाम में आकर, ये वैंकुंठ है जहाँ पे इतने देवी देवता हैं, नारायण भगवान स्वयं विराजमान हैं बाहर मंदिर में, यहाँ पे इतने देवी देवता हैं, वो वैंकुंठ से कम होगी क्या जगह। आइए यहाँ पे जिसको भी आरती करनी है, बिल्कुल हाँ दीदी, हाँ भाभी उज्ज्वल कीजिए। हाँ हाँ उज्ज्वल कीजिए आरती। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तगण आरती करेंगे आराम आराम से, घाई मत कीजिएगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति करे आवे, सुख संपत्ति करे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण परू मैं किस की, स्वामी शरण परू मैं किस की, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरका। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विद मिलो दया मैं, किस विद मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ परायो, अपने शरण लगायो, द्वार परा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटायो, पाप हरियो देवा, स्वामी कष्ट हरियो देवा, शरदा भक्ति परायो, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय
जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे स्वामी जय केदारनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चरण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल बाबा मोहनदास साहेब की जय बाबा गुमन दरवेश की जय बाबा हीरानंद दरवेश की जय साध संगत की जय आयो लाल सवई चौ झूले लाल बेराई पेराई शौकार सभी प्रेमी आरती से गिंदा वो पलो पाइंदा से सभी प्रेमी जेके भी बैठे हैं गौशाला में बैठे हैं जेके भी सभी प्रेमी पलो पाइंदा भगवान सबनी मुराद पूरी कंदो पलो पायो उत्तर दांती आयो मुझो सूदो सावल शाह वरटन सब सावा के साओ के गाओ माओ चवे थी पुट खे पुट मखन वठी खा तुरंदम तारा जी में अज पैसे लदरो पाओ एरो मुझो सुदो सावल श्याम मुझे को दींदो दात संगत खे संगत सब साई थी जय में जोर भरिया होया डे हां डे हमा मुझे सत पया हाने पची खेत प्या ओ नाले दी ने साईं अमरलाल जे हे मुजा झूलेलाल साईं श्री सत्यनारायण स्वामी जेके प्रेमी तवें धरती झोल जली बिठा दो सभनी मने मनोकामनाओं पूरियों कजो हितिका कृषा वानी मुजा भगवान नंडरा बच्चा सुठी सुमत जुन कृपाई दिस कर जुन काई भी नंडिया वरी दुख पीरा कष्ट कलेश विघ्न बाधा हो जे मुजा भगवान पान भी कर बच्चन की रक्षा कजो हे मुजा श्री सत्यनारायण स्वामी कभी सभनी मथा कृपाई दिस जो मुजा नारायण भगवान हे मुजी गौ माता जेके भी प्रेमी नित नेम सा तवाई पूजा अर्चना कंता तवाई सेवा कंता तवाई दर्शन कंता मुजी गौ माता सभनी पलो दो सभनी मथा कृपाई दिस रख जो सभनी दुखरा दूर कजो मुजी गौ माता करम ठाए जो मुजी गौ माता सभनी भाग्य ठाए जो हे मुजा झूलेलाल साईं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सभनी पलो दो सभनी प्रेमिन जो पलो दो जेके भी सेवाधारी मुजा भगवान मंदिर आ जेके प्रेमी नित नेम सा मथो टेकना चंदा मुजा भगवान सभनी पलो तो जेके मुजा भगवान सतनी ता पूजा प्रोग्राम रखा जिन दी सेवा दारिन भगवान करण कराना वाला ता पतित पावन ता तवा खे अर्पण तवा खे समर्पण तवा संकल्प मात्र दे सजे ब्रह्मांड ही रचना थिया हे मुजा नारायण भगवान हे मुजा लक्ष्मी नारायण भगवान सभनी भक्तन जो पलो तो इन दास जो पलो तो भगवान सतनी जो जो प्रोग्राम रखियो आ पान अची करे संगत के दर्शन दे जो मुजा भगवान सभनी मनुष्य में भगवान तवा आयो सभनी में आत्मा ओ हकरी परमात्मा नारायण जी तवा ही आयो पान सभनी आत्माओं के अंदर विराजमान थी करे सभनी मानन के अंदर विराजमान थी करे इन कथा में अची कर भगवान सभनी के दर्शन दिजो हे मुजा भगवान जेंजे भी मन में जेका मनोकामना हो जे पूरी कजो मुजा सत्यनारायण स्वामी मुजा लक्ष्मी नारायण भगवान हे मुजा श्री हरि भगवान ढा प्रेमी आया तो मन में कहीं ना कहीं आस कहीं ना कहीं मुराद हर कें के अथव कहीं ना कहीं गाल अथव ये तो भगवान सभनी मुरादों पूरी कजो सभनी भलो कजो हे मुजा भगवान सभनी सेवाधारिन जो भक्तन जो संगतिन जो सभनी भलो तो सभनी घर में खुशी आ भंडार है बरकत आ भंडार सदाई कायम रखो आयो लाल सवई चो झूले लाल बोल बाबा मोहनदास साहेब की जय माता रुक्मणी देवी की जय बाबा गुमन दरवेश की जय बाबा हीरानंद दरवेश की जय सात
सब संगत की जय। आयो लाल सबई चोले अपने अपने मात पिता की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री हरि।